सब्सक्राइब करें जी टेस्टी फूड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं मीनाक्षी सेठी इजी टेस्टी फूड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के पराठे। पनीर खाने में सभी को ही बहुत स्वाद लगता है। इस तरीके से आप पनीर के पराठे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए यह पराठे आपको कैसे लगे। तो चलिए हम बनाते हैं पनीर के मजेदार पराठे। सबसे पहले मैंने लिया है पनीर, 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने। चार पांच पराठे आराम से बन जाएंगे। और मैंने पानी लिया है आटा गूंदने के लिए, आटा लिया है, हरा धनिया लिया है, प्याज लिए हैं, हरी मिर्चें लिए हैं। और मैंने लिया है 1.5 छोटा चम्मच सूखा धनिया। सूखा धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। अगर आपका बड़ा है तो एक भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने भरकर अमचूर पाउडर लिया है। थोड़ी सी मैंने डाइजेशन के लिए अजवाइन ली है, आधे से भी आधा चम्मच। आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है कुटी। 1 छोटा चम्मच भरकर मैंने नमक लिया है। आधे से आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है। 2 से 3 चुटकी मैंने हींग ली है। सूखा आटा लिया है मैंने पराठे को बेलने के लिए। और मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। सबसे पहले हम परात में आटा डाल देंगे। और मैं आटे में नमक नहीं डाल रही हूँ, पनीर में ही, पनीर के मिश्रण में ही नमक डालूंगी। और थोड़ा थोड़ा सा पानी लेते हुए हम एक सॉफ्ट आटा गूंदेंगे, पूरी से थोड़ा ढीला, जैसे हम रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते वैसे ही। पर इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा सा चिकना करते हुए, मुक्की ज्यादा मारते हुए और अच्छे से चिकना करते हुए गूंदेंगे इस तरीके से, जिससे कि ये काफी सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बने हमारे। पानी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। देखिए हमारा आटा गूंद चुका है और ये देखिए कितना चिकना है, ये लचकदार गूंदा है मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और काफी मुक्कियां मारते हुए। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल या घी 1 छोटा खाने का चम्मच डालते हुए और इसको फिर आधे या 1 मिनट तक अच्छे से चिकना कर देंगे, जिससे हमारे पराठे और सॉफ्ट बने। हमारा आटा तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे ढककर। और अब हम एक घिया कस लेंगे और एक डोंगा या फिर कोई थाली लेंगे और पनीर को हम कद्दूकस करेंगे, जिससे कि हमारे पराठे अच्छे भरवा बने और पनीर की कोई छोटी कोई बड़ी टुकड़ी के कारण हमारे पराठे फटे ना। इसीलिए हम पूरे पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर देंगे। हमारा पनीर कद्दूकस हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। मैंने 1 बड़ा प्याज डाला है, 2 मैंने हरी मिर्च डाली हैं। अगर आप कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। हरा धनिया मैंने काफ़ी सारा धोकर काट लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। और अब मैं जीरा, 1.5 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च और नमक डाल दूंगी और 2 से 3 चुटकी हींग। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मसाले और प्याज, हरा धनिया, मिर्च सारे मिश्रण में मिक्स हो जाएं अच्छे से। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और गैस तेज कर तवे को गर्म होने रख देंगे, जिससे कि हाई फ्लेम पर तवा जल्दी से गर्म हो जाए और गर्म गर्म तवे पर हम परांठा डालें। और हम एक मैं रोटी से बड़ा पेड़ा ले रही हूँ, रोटी से काफ़ी बड़ा ले रही हूँ और उसे अच्छी तरीके से सूखे आटे में लपेट रही हूँ, ज़्यादा सूखा आटा लगाकर। और अब मैं इस तरीके से करूँगी। ये देखिए पूड़ी जितना हमारा ये होने वाला है। अब ये पूड़ी जितना हो गया है और बीच का हिस्सा उठा हुआ है और यहाँ से सारा गड्ढा बन गया है और साइडों से भी ये थोड़ा मोटा है, बीच में से काफ़ी मोटा है। अब हम इसमें काफ़ी सारा मिश्रण, देखिए एक मुट्ठी बना लेंगे, मुट्ठी में एक लड्डू सा बना लेंगे काफ़ी बड़ा। और ये देखिए कितना सारा मिश्रण मैं इसमें डाल रही हूँ, काफ़ी सारा। देखिए एक बहुत बड़ा लड्डू लेकर मैं डाल दिया है। और अब इसे अच्छे से दबाकर अंदर कर देंगे अपने अंगूठे से और इसको इस तरीके से कर देंगे। और अब
इसको इस तरीके से करते हुए एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। और अब इस तरीके से बंद करें कि कोई क्रैक ही ना दिखे। अगर कोई क्रैक नहीं दिखेगा तो हमारा पराठा बहुत फूला हुआ भी बनेगा और जैसे कहीं पे कच्चा कच्चा आटा आता दिखता है, मिश्रण नहीं दिखता, वैसा नहीं लगेगा। और हम इसे फिर से अच्छी तरह से सूखे आटे में लपेट देंगे। और अब हम इसे पहले बीच में से दबा लेंगे और फिर साइडों से अपनी फिंगर्स, तीन फिंगर्स से अब गैस को कम कर देंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, बीच में से भी हमने दबा दिया है और अपनी फिंगर से इसे दबा दिया है। और अब हम इसे फिर से आटे में लपेटेंगे और अब हम दूसरी साइड से भी इसे इस तरीके से दबाएंगे। अब हम इसे बेलेंगे और ज़्यादा प्रेशर हम साइडों में ही डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे। अगर हम बीच में डालेंगे तो बीच का सारा पनीर फटता हुआ साइडों से निकलता जाएगा। और हमने जो इसे कद्दूकस किया है पनीर को, इस वजह से हमारे पराठे फटेंगे नहीं, क्योंकि कोई छोटा बड़ा टुकड़ा नहीं है। प्याज भी हमने काफ़ी बारीक काटे हैं और हरा धनिया हमने मोटा पतला जैसा मर्जी काट लिया है, पर फटेगा नहीं। ये देखिए, मोटा पतला जैसा आपको खाना है वैसा बेलिए और गैस को दोबारा से तेज़ कर दीजिए और तेज़ गर्म तवे पर फुल तेज गैस करके इसे डाल दीजिए। ऐसे ही बाकी के पराठे भी हम बेल लेंगे। जैसे ही ये सिकने लगेगा, देखिए यहाँ से होने लग जाएगा, फूला फूला सा दिखने लग जाएगा, साइड से ब्राउन हो जाएगा, चिमटे से चेक करेंगे तब हम इसे पलटेंगे। देखिए हमारा एक साइड से हो चुका है और गैस को मैं मीडियम कर रही हूँ, पहले मेरी फुल तेज थी। और जैसे ही पूरा सिक जाए तभी ही लगाइएगा, या रिफाइंड जो भी आप लगा रहे हैं, कच्चे पराठे में नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनते हैं। और अब मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लगा दिया है और अभी ये इसे पलट देंगे और अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे और ये बहुत झटपट से बन जाएगा। इस तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसे पराठे लगे आपको यह खाने में। और ये देखिए कितने झटपट से ये पनीर का पराठा बन गया है। अब हम इसे उतार देंगे। यहाँ देखिए हमारे मजेदार गर्मा गर्म पनीर के पराठे तैयार हैं और मैंने इसे व्हाइट मक्खन के साथ सर्व किया है। मैंने व्हाइट मक्खन की वीडियो भी बनाई हुई है, मैं व्हाइट मक्खन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप पनीर के पराठे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए यह पराठे आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी पेज है, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इन तीनों के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू।